गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कंसोल इनपुट आउटपुट चैप्टर पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा था कि दो टाइप के कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस और अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो जो आपका पहला है, जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ योर अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। इस कैटेगरी में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल हैं। कुछ फंक्शंस जो हैं वो सिंगल करेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए हैं और कुछ फंक्शन स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट के लिए हैं। हम बात कर रहे हैं अनफॉर्मेटेड की। अनफॉर्मेटेड में आप दो जो कैरेक्टर्स डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए ही अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट अवेलेबल है। इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप के लिए अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपके जब कैरेक्टर टाइप की बात करेंगे तो कैरेक्टर टाइप में आप या तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट में दोगे या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। जब आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लिख के कोई वर्ड बनाते हो तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? सी भाषा में स्ट्रिंग बोला जाता है। तो जो आपके कंसोल इनपुट आउटपुट है, अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट, उसमें सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल हैं और स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कैरेक्टर्स के इनपुट फंक्शंस के बारे में, कि अगर आपको सी भाषा के प्रोग्राम में कोई भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट में लेना है तो उसके लिए आपके पास कौन सा अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन अवेलेबल है। सिंगल कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए आपके पास तीन लाइब्रेरी फंक्शन है। सबसे पहला है गेट कैर, फिर है गेट सी एच, थर्ड है आपका गेट सी एच ई। सिंगल कैरेक्टर्स को इनपुट करवाने का जो सिंटेक्स है वो आपका इस तरीके से होगा। आप एक यहाँ पर एक वेरिएबल लिखोगे और फिर आप अपने फंक्शन को यहाँ पर शो करोगे कि आपको कौन सा फंक्शन यूज़ में लेना है। फंक्शन आपका गेट कैर, गेट सी एच और गेट सी एच ई, तीनों में से कोई सा भी इनपुट फंक्शन आप यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें गेट कैर फंक्शन की। तो ये जो गेट कैर फंक्शन होता है, ये आपको जो इनपुट लेता है वो आपके बफर से करेक्टर को रीड करता है। जो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट बफर होती है, दैट इज़ योर STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट बफर से ये करेक्टर्स को रीड करता है। जैसे ही हम कीबोर्ड पर से किसी भी की को प्रेस करते हैं तो वो करेक्टर आपका कहाँ चला जाता है? जिस भी करेक्टर की आप प्रेस करते हो वो करेक्टर आपका कहाँ चला जाता है? बफर में चला जाता है। और इस बफर से फिर आपका ये फंक्शन उस कैरेक्टर को रीड करेगा। जब वो आपका बफर में स्टोर हो जाएगा तो उस कैरेक्टर की को दबाने के बाद, जब आप एंटर की अपने कीबोर्ड में से प्रेस करते हो तो एंटर की दबाने के बाद ही वो बफर में से उस कैरेक्टर को रीड करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि मैंने यहाँ पर चार वेरिएबल्स बनाए हैं, पी क्यू आर और एस। इन चारों वेरिएबल्स का जो डेटा टाइप मैंने रखा है वो है कैर, मतलब ये चार वेरिएबल्स आपके कैरेक्टर डेटा टाइप के हैं। मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल्स में इनपुट लिया है, पी क्यू और आर वेरिएबल में मैंने इनपुट लिया है। इनपुट लेने के लिए मैंने जो फंक्शन यूज़ करा है, दैट इज़ योर गेट कैर फंक्शन। इस गेट कैर फंक्शन के थ्रू आप पी क्यू और आर में इनपुट दोगे। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? प्रिंट करवा रहे हो इसकी वैल्यूज़ को, पी क्यू और आर की वैल्यूज़ को। जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करोगे वो आपकी कहाँ चली जाती है? उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। फिर आपने एस में वापस से इनपुट फंक्शन लिया है, फिर आपने एस की वैल्यू को प्रिंट कराया है। अब मान लीजिए आपने इनपुट में इस तरीके से कोई एक स्ट्रिंग इनपुट में दे दी। अब जो भी पी है, पी में चला गया आपका फर्स्ट लेटर, क्यू में चला गया सेकेंड और आर में चला गया थर्ड। और जैसे ही आप एस में इनपुट की बात करते हो तो एस में आपका अब ई से आगे जो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर है एल, वो चला जाएगा। तो आप तीन चीज़ें प्रिंट करवा रहे हो। पहले आपने पी क्यू आर प्रिंट कराया तो आपका एन डबल ई प्रिंट हो गया, फिर आपने यहाँ पर एस प्रिंट कराया तो आपका एल प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके चारों कैरेक्टर्स किस तरीके से उसने बफर में से रीड करे हैं। ये आपके इस एग्ज़ाम्पल का एक्सप्लेनेशन है कि इस एग्ज़ाम्पल में किस तरीके से आपके कैरेक्टर्स को रीड करके प्रिंट करवाया गया है। अब जो नेक्स्ट आपका अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है, दैट इज़ गेट सी एच फंक्शन। ये जो गेट सी एच फंक्शन है ये बिल्कुल गेट कैट फंक्शन की तरह ही काम करता है,
लेकिन इसमें ये कैरेक्टर्स को बफर से रीड नहीं करता, सीधे कीबोर्ड से ही कैरेक्टर को रीड कर लेता है। गेट केयर फंक्शन में क्या हो रहा था, हम कीबोर्ड से जो इनपुट दे रहे थे वो पहले बफर में जाता था, फिर उसको वो रीड करता था एंटर की दबाने पर। लेकिन गेट सी एच फंक्शन क्या करता है, जैसे ही आप कीबोर्ड से की प्रेस करते हो सीधा ही वो उस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। बीच में जो बफर वाला वर्क है वो गेट सी एच फंक्शन में नहीं होता। इसमें जो आप कीबोर्ड से जो भी कैरेक्टर रीड करेगा वो सारे कैरेक्टर्स वीडियो पर भी प्रिंट नहीं करेगा। मतलब जैसे आपने इनपुट दिया, अब इनपुट देने के बाद अगर आपको आउटपुट देखना है तो वो इसमें डायरेक्टली प्रिंट नहीं करता है, उसके लिए आपको प्रिंट करने के लिए कमांड देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं कैरेक्टर टाइप के, पी क्यू और आर। पी और क्यू में मैंने गेट सी एच फंक्शन से इनपुट लिया है, फिर आप यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हो पी और क्यू की वैल्यू, फिर आप आर में इनपुट ले रहे हो, फिर आप आर की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। जैसे मान लो आप इनपुट देते हो प्रोग्राम को रन करने पर, आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से के और पी। अब ये जो आप इनपुट प्रेस करोगे कीबोर्ड से, ये आपको मॉनिटर पर शो नहीं होगा। जब आप प्रिंट कमांड दोगे जब ही आपको ये आपका आउटपुट मॉनिटर पर शो होगा। जैसे अगर मैं ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखती यहाँ पर, तो प्रिंट वाली स्टेटमेंट नहीं लिखने पर जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट दोगे वो आपको विजिबल नहीं होगा कि आपने क्या इनपुट दिया है। अगर आपको वो देखना है कि आपने क्या इनपुट दिया है तो आपको प्रिंट एफ कमांड लिखना ज़रूरी होगा। इसी तरीके से आर में जब आप इनपुट दोगे, यहाँ पर मैंने आर में सपोज जी इनपुट दिया है, तो ये आपको विजिबल नहीं होगा। जैसे ही आप आउट प्रिंट वाली कमांड आएगी तभी आपका आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जो लास्ट थर्ड फंक्शन बच रहा था, दैट इज़ योर गेट सी एच ई फंक्शन, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका गेट सी एच फंक्शन की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें और गेट सी एच फंक्शन में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा करेक्टर ई लिखा हुआ है, वो था आपका गेट सी एच, ये है आपका गेट सी एच ई। मतलब गेट सी एच ई फंक्शन गेट सी एच की तरह काम करेगा लेकिन साथ में ई को भी करेगा। ई को का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम कहीं पर ज़ोर से पहाड़ों के पास खड़े होकर चिल्लाते हैं तो वापस हमारी आवाज़ ही हमें वापस लौट के आती है, उसे हम इको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जो हम इनपुट देंगे वो हमें इको होगा, इको का मतलब वो हमें विजिबल होगा। गेट सी एच में क्या हो रहा था, आप इनपुट दे रहे थे वो आपको दिखाई नहीं देता था बिना प्रिंट कराए, लेकिन यहाँ पर जो भी आप इनपुट दोगे वो आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करोगे वो आपको विजिबल होगी कि आपने कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करी है, फिर आप प्रिंट कराओगे तो आपको वापस से आपका इनपुट शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से गेट सी एच और गेट सी एच फंक्शन कोई भी काम में ले सकते हो। अगर आपको ईको करवाना है तो आप गेट सी एच ही फंक्शन काम में लो, अगर आपको ईको नहीं करवाना है तो आप नॉर्मल गेट सी एच फंक्शन काम में लो। ये जो टेबल बनाई हुई है ये गेट सी एच ही और गेट केयर फंक्शन की हमने तुलना की हुई है कि तीनों फंक्शंस में क्या क्या समानता है, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंसेस हैं। पहला, ये कैरेक्टर को कंसोल से रीड करता है, ये भी कैरेक्टर को कंसोल से रीड करता है, और ये भी कैरेक्टर को कंसोल से रीड करता है। कंसोल का मतलब आपके कीबोर्ड से रीड करता है। यहाँ पर भी आप कीबोर्ड से इनपुट दोगे, तीनों में ही आप कीबोर्ड से इनपुट दोगे। ये एक फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये एक मैक्रो है। मैक्रो बेसिकली फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है। फंक्शन जो होते हैं वो आपके बड़े बनाए जाते हैं, और अगर हम छोटे फंक्शंस बोलें तो उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। तो ये आपका मैक्रो है गेट केयर, बाकी गेट सी एच और गेट सी एच ही दोनों फंक्शंस हैं। ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में होता है, गेट सी एच ही भी कोनियो डॉट एच हेडर फाइल में है, लेकिन जो गेट केयर है ये आपका stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आपको ये फंक्शन यूज़ करना है तो आपको ये लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। सेम तरीके से अगर आपको ये फंक्शंस यूज़ करने हैं गेट सी एच और गेट सी एच ही, तो आपको कोनियो डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। जो फोर्थ पॉइंट है कि इसमें कैरेक्टर्स को रीड करते समय ईको नहीं होता, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें ईको नहीं होता, गेट सी एच ही में ये कैरेक्टर्स को ईको करता है, और ये भी कैरेक्टर्स को रीड करते टाइम ईको करता है। लेकिन इसमें ईको करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, बिना एंटर की दबाए ये ईको नहीं करेगा। जैसे ही आप एंटर दबाओगे आपके कैरेक्टर्स ईको हो जाएंगे। तो ये आपके तीनों फंक्शंस में डिफरेंस हो गया। ये हो गया आपका अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट, जिसमें आपने तीन इनपुट फंक्शन पढ़े, गेट केयर, गेट सी एच और गेट सी एच ई। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे
अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट के ही आउटपुट फंक्शंस के बारे में। अब आज हमने पढ़े हैं इनपुट फंक्शन और कल हम पढ़ेंगे आउटपुट फंक्शन।